हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं कार्स 98। देखो कार्स कंपैरिजन, कार्स रिव्यू और न्यू गाड़ियों से रिलेटेड जानकारी हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड नैनो के बारे में। जी फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ओल्ड नैनो के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे गाड़ी कितने में आएगी और हम इसके ऑनर से बात करेंगे। जी फ्रेंड्स, फिलहाल में ही इनके ऑनर हमसे मिले और बोले कि हमारे नैनो है जिसको हम आपके यूट्यूब के थ्रू सेल करना चाहते, काफ़ी अच्छी कीमत है, गाड़ी बहुत ही अच्छी कंडीशन में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, जो भी सवाल या सुझाव पूछना हो हमसे ज़रूर पूछें, कमेंट करके हमसे कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमसे ले सकते हैं। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर करें। वीडियो में अभी तक आपने एक बार इस गाड़ी का वॉक अराउंड तो ले ही लिया होगा, आपको अभी तक पता चल गया होगा कि गाड़ी की कंडीशन बाहर से कैसी है। तो आइए अब हम इसके ऑनर से मिलते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास अभी है इस नैनो के ऑनर, इन्हीं की ये गाड़ी है। अब हम इनसे बात करेंगे कि इनकी गाड़ी कैसी है और क्या क्या फीचर्स और क्या परेशानियाँ इनके गाड़ी में आती हैं और ये क्यों बेचना चाहते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए, इनका नाम क्या है भैया आपका नाम? विक्की सिंह जी, हाथ मिलाइए जी, विक्की सिंह हैं ये, तो इनसे बात करते हैं। तो आपको ये गाड़ी में क्या अच्छा लगा जो आपने ये गाड़ी खरीदी? पहला आया था तो अच्छा था, काफ़ी नामिंग कंपनी की गाड़ी थी और सबसे बड़ी बात एडवर्टाइजमेंट बहुत थी। कहने के लिए तो 1 लाख की गाड़ी थी जी, जो आजकल लोग बहुत कहते हैं बउआ गाड़ी ले लिया, 1 लाख की गाड़ी ले लिया। ठीक है, उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, भाई आया था तब भी 1 लाख बोलने का था, लेकिन 1 लाख का था नहीं भाई। हाँ। ये 2,60,000 कुछ पड़ा था आपको, ये 2,60,000 पड़ा था। तो मतलब गाड़ी तो और भी ऑप्शन थे, लेकिन आप इसे क्यों लिए? एक्चुअली लेने का कारण ये था कि जस्ट मैं छोड़ा था। हाँ। ये गाड़ी को लेने इसलिए चाहा। हाँ। क्योंकि ये गाड़ी उस टाइम ज्यादा सेलिंग थी और बस अपना आपको पसंद आया ना? पसंद की बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट अच्छी थी इसकी, बहुत नैनो नैनो करके मतलब प्रशंसा बहुत हो गई थी ना। इसके टायर की कंडीशन देख सकते हैं, ये बिल्कुल अभी नए हैं इसके चारों टायर। इस टायर के भी कंडीशन देख लीजिए, सारे टायर्स अभी नए हैं, तो आप देख सकते हैं टायर काफी नए हैं, टायर इसके नए हैं। सामने के लुक को देख सकते हैं, इसका ये नैनो नैनो के शेप में ही है ना, आँख के डिजाइन में है, इसलिए शायद इसका नाम नैनो रख दिए। फ्रेंड्स, छोटी गाड़ी है लेकिन देखने में काफ़ी अच्छी लगती थी। हम इसको आपके इंटीरियर से दिखाते हैं। इसमें आपको एसी भी मिल जाती है, ये एसी वाली है, आपको एसी मिल जाते हैं इसमें, आपको फ्रंट में एसी मिल जाते हैं। खैर, इतनी बड़ी गाड़ी तो नहीं, इसमें आपको बैक की सीट में एसी मिलेगी। यहाँ पे आपको रियर व्यू मिरर मिल जाते हैं। ये आपका फ्रंट देख लिए आप, फ्रंट के व्यू, इसका इंटीरियर व्यू, बैक का है, बैक की सीट्स। फ्रेंड्स, आपको लेग स्पेस काफ़ी मिल जाते हैं इसमें, बहुत सारे लेग स्पेस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही लेग स्पेस मिलता है आपको इसमें। जी, आप कोशिश कर कोशिश करता हूँ सीटिंग। देखिए, बैक का है, इसमें आपको बता दूं तो डिक्की नहीं मिला करती थी, कुछ छोटा सा स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ये भाई ने, मैं आपको बता दूं तो इसका जो सीट है वो गिर जाता है। इसका व्यू देख सकते हैं आप, भी इसका स्टेयरिंग, अब ये मेसी कंट्रोल्स आपके मिल जाएंगे, यहाँ पे आपका सारे ऑन है। इसमें आपको अभी तक सारे वर्क मिलेंगे, गाड़ी करीब 20,000 किलोमीटर चली हुई है। फ्रेंड्स, बहुत कम गाड़ी चली हुई है। अब मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा कि वो ऑनर इसका प्राइस कितने में बेचना चाहता है और क्यों बेचना चाहता है, पता करेंगे। ये गाड़ी करीब 20,642 किलोमीटर चली है। फ्रेंड्स, गाड़ी काफ़ी कम चली हुई है। अब हम इससे पता करते हैं कि इसके ऑनर कितना में इसे बेचना चाहते हैं। तो जी, ये है इनके ऑनर जिनका नाम विक्की सिंह है। जी, आप इसे कितने में सेल करना चाहते हैं? 60 and 65। जी, इनका डिमांडिंग रेट है 60 से 65,000 तक बेचना चाहते हैं ये। और यूट्यूब के थ्रू आएगा इसके चैनल के थ्रू, तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट 55 चलिए लास्ट। 55 मतलब अगर आप हमारे चैनल के थ्रू आते हैं तो आपको 55,000 पे मिल जाएगी गाड़ी, ये मतलब 55,000 रुपये में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। आप बता सकते हैं इसके माइलेज क्या देती है गाड़ी? माइलेज ये दे रही है आपको सिटी के अंदर 60
और सिटी के बाहर हाईवे पे आपको दे देगी 18 से 19 का जी। तो आपको सिटी में आपको 16 देगी, 16 का करीब माइलेज रहेगा, और हाईवे पे 18 से 20 का आपको माइलेज मिल जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, देख रहे हैं गाड़ी अभी चालू है। अब आपको थोड़ा सा इसको बैठ के भी दिखा देते हैं, इसके अंदर का सीन, इंजन खाया इसका, इंजन पीछे रहता है, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल वगैरह रहता है, या इसका फिल्टर है, पेट्रोल के लिए आपको यहाँ पे दिया रहता है इसका ऑप्शन, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। देखिए काफ़ी गंदी हो गई ये गाड़ी, ये देखिए बॉनेट को गिरा दो भाई, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? इसका मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट 2200 रुपये है, अगर थोड़ा हैवी है तो इसका 3500 रुपये जी। मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा जाता है, आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपके गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है तो एक्स्ट्रा पैसा जाएगा, नहीं तो आपको 2000 तक में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाता है, 2000 में आपका गाड़ी का सर्विसिंग हो जाएगा। इसकी सर्विसिंग मैं बताऊँ तो ये विदाउट मेंटेनेंस वाली गाड़ी है, आप इसका भी थर्ड सर्विसिंग हुआ है ऐसा है। हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटे को भी दबा दें। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में, जय हिंद जय भारत।